लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश के मतदाताओं में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। सिरसा लोकसभा के टोहाना विधानसभा में मतदाताओं में काफी जोश देखने को मिला। मतदाता सवेरे ही बूथ केंद्रों पर मतदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच गए। वहीं टोहाना में राजनीतिक दिग्गजों ने भी मतदान किया। सुबह 7 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बुराला ने अपने गांव डांगरा में मतदान किया। इसके अलावा जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने अपने गांव मामूपुर में मतदान किया। वह पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। निशान सिंह टोहाना के विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बबली ने भी अपने गांव बड़ाई खेड़ा में मतदान किया। वह कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न गांवों के दौरे गए। सभी दिग्गज नेता अपनी पार्टी की जीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के अंदर भी काफी उत्साह है, जोश देखने को मिल रहा है। हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी को जीत दर्ज करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। सिरसा लोकसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी यह तो 23 मई को ही तय हो पाएगा। फिलहाल सभी दिग्गज अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदान करवाने में जुटे हुए थे। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस जिस भी प्रदेश का, जिस जिस भी लोकसभा क्षेत्र का आज पोलिंग है, वहाँ पर भारी उत्साह के साथ लोग लाइन के अंदर लगे हैं। और आज जैसे मैं अपने बूथ पर, मेरे गांव डांगरा के 145 नंबर बूथ पर वोट डालने के लिए आया था, तो यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पर 3 बूथ हैं और तीनों बूथों में बहुत भारी उत्साह यहाँ आम आदमी में वोट आने के लिए दिखाई दिया। निश्चित रूप में इस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान आज हो रहा है। हमारे देश के संविधान ने हमें ये वोट का अधिकार दिया है, और मैं सबसे पहले तो सब देशवासियों से, हमारे प्रदेशवासियों से और हमारे हल्का वासियों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और आपकी वोट की ताकत से आने वाले रिजल्ट के बाद आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करेंगे जो भी कैंडिडेट बन के आएंगे। और मैं आज इस दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो क्या लगा भाजपा और अन्य प्रत्याशी मैदान में है, आपने मेहनत की है, इतने समय क्या लगता है आपको? बिल्कुल, हम लोगों के बीच में गए और आज कांग्रेस का माहौल है, लोग कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लेके आना चाहते हैं। आपके सामने ये जो बीजेपी ने वादे किए थे वो कहीं भी खड़े नहीं उतरे, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस सरकार पाए। आप देख रहे हैं क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। पल पल की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।